हेलो गाइज, मैं हूं आपका खबरी पूनम चंद एंड यू वाचिंग रेसल खबर। आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई रियल है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्ट हुई है तब से हर फैंस के मत में एक ही सवाल है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रियल है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक है। जब कोई मैच होता है तो उसके दौरान कुछ चीजें ऐसे देखने को मिल जाती है जैसा लगता है कि ये असल जिंदगी में हो सकती है, तब लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एकदम ठीक है। लेकिन कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ इतना ज़्यादा कर देता है जो कि रियल जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, तब ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एकदम फेक है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक बिल्कुल भी नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो प्रोमो और जो मैच दिखाए जाते हैं वो एकदम स्क्रिप्टेड होते हैं, वह मैच चाहे रॉक का हो या फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का हो, ये सब चीज़ें पहले से तय होती है। प्रो रेसलर का फर्ज होता है कि हर चीज़ को एकदम अच्छे से निभाए जाए ताकि ऑडियंस को ये सब असली लगे। रेसलर साल में 200 से ज़्यादा शो करते हैं जिसके कारण उन्हें सुरक्षित रेसलिंग करनी पड़ती है। प्रो रेसलर काफ़ी दर्दनाक तरीके से मरेंगे अगर सुपरस्टार को अपने हिसाब से प्रोमोज और काम करने दिया जाए जैसा वह चाहते हैं। ऐसे में कोई रेसलर अगर दूसरे रेसलर को असली में चेयर शॉट्स मारेगा तो उस रेसलर की हड्डियाँ तक टूट जाए या फिर उससे कोई गंभीर चोट भी लग सकती है। इससे सुपरस्टार और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाली हर चीज़ होती है और इन सभी चीज़ों को रेसलर काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाते हैं। फेक रेसलिंग में जब कोई रेसलर किसी रेसलर को मारता है तब वह रियल में उसे नहीं मारता है बल्कि एक्टिंग कर रहा होता है। वहीं अगर स्क्रिप्टेड रेसलिंग में जब कोई किसी रेसलर को मारता है तो वह उसे सच में मार रहा होता है, लेकिन वह सब चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है। रेसलर की भी एक सीमा होती है जिसके अंदर रहकर उन्हें काम करना पड़ता है। क्या रेसलिंग फेक है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक है, डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक है या रियल, ऐसे सवाल का हर प्रो रेसलिंग फैन को करना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रो रेसलिंग हमेशा से स्क्रिप्टेड है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।